सलीज किचन में आप सभी को वेलकम और मेरे सारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। फ्रेंड्स, आज खास करके बच्चों के लिए हम बनाएंगे कैरामेल टॉफ़ी चॉकलेट। ये बनाना बहुत आसान है, आप यूं झटपट इसे घर में बना लेंगी और बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए आज हम बच्चों के लिए बनाते हैं कैरामेल टॉफ़ी चॉकलेट। कैरामेल टॉफ़ी चॉकलेट बनाने के लिए मैं एक पैन ले ली हूँ और इसमें अभी हम डालेंगे हाफ कप शुगर, 1 टेबल स्पून वाटर और इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बेसिकली हमें शुगर को जो है वो कैरामलाइज करना है। तो हम मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए पकाएंगे जब तक ये शुगर जो है वो कैरामलाइज ना हो जाए। शक्कर कैरामलाइज हो गया है, आप देख रहे हो इसका कलर चेंज हो गया है, लेकिन थोड़ी सी और इसे हम डार्क करेंगे। अब जो है ना हम फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देंगे और इसे अभी लगातार हम चलाते रहेंगे। ये आप देख रहे हो ना, ये कलर थोड़ा सा और गाढ़ा हो गया है। अब हम गैस के चूल्हे को करेंगे बंद, लेकिन आप इसे लगातार चलाती रहे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप मिल्क। लेकिन फ्रेंड्स, बहुत सावधानी से आप धीरे धीरे ये काम करें, लगातार चलाती रहे और इसमें जो है हम मिल्क ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। और गैस का स्विच हम अब फिर से ऑन कर देंगे, गैस का फ्लेम, और इसे अभी हम लो पे ही रखेंगे और शक्कर को दूध के साथ खूब अच्छी तरह से हम मेल्ट होने तक का मिक्स कर लेंगे। शक्कर और मिल्क आपस में खूब अच्छी तरह से आप देख रहे हो घुल मिल गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे बटर, 1 टेबल स्पून बटर। लेकिन फ्रेंड्स, ये अनसॉल्टेड बटर हमें इसमें डालनी है और ये बटर को भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इसे हम 1 मिनट पका लेंगे और बिल्कुल लो फ्लेम में लगातार चलाते हुए। मिल्क पाउडर यहाँ हम 1/4 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। खूब अच्छी तरह से ना मिल्क पाउडर को मिक्स कर लेंगे लगातार चलाते हुए, और फ्लेम जो है बिल्कुल लो पे है। मिल्क पाउडर को हम खूब अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और अब बिल्कुल लो फ्लेम में ही हम इसे 1 मिनट तक और पका लेंगे। 1 मिनट हो चुका है, अब हम करेंगे गैस का फ्लेम बंद। ये मोल्ड है ना, चॉकलेट बनाने की मोल्ड, अब हम इसको ये मोल्ड में डाल देंगे। चॉकलेट मोल्ड में हम मिक्सर को डाल दिए हैं और अब ना खूब अच्छी तरह से ना इसको हम इस तरह से ना टैप करेंगे। 10-12 बार हम इसको इस तरह से टैप करेंगे। अब हम इसको थोड़ी देर रूम टेम्परेचर में रख देंगे और फिर इसको हम फ्रिज में रख कर 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि टॉफ़ी हमारी खूब अच्छी तरह से सेट हो जाए और फिर हम उसको सर्व करेंगे। 4 घंटा हो चुका है और मैं ये टॉफ़ी को फ्रिज से निकाल ली हूँ और ये अच्छी तरह से सेट भी हो गया है। तो चलिए अब हम इसको डिमोल्ड करते हैं। ये आप कितने आसान तरीके से ये टॉफ़ी जो है ना ये निकल आ रहे हैं। इस तरह से ना हम सारे टॉफ़ी को जो है ना डिमोल्ड कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, कैरामेल टॉफ़ी चॉकलेट बिल्कुल तैयार है बच्चों के लिए, आपके लिए भी। तो आप इसे इंजॉय करें। आपने देखा इसको बनाना भी कितना आसान है, उतना मज़े की भी ये होती है, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। और आप चाहे तो इसे ऐसे भी सर्व कर सकती हैं और अगर आप चाहे तो क्लीन फ्रेम में सेपरेटली एक एक पीस चॉकलेट को आप रैप करके भी सर्व कर सकती हैं। लेकिन हाँ, आप इसे फ्रिज पे ज़रूर रखें, जब भी सर्व करनी है तो आप फ्रिज से निकाल कर इसे सर्व करें। तो आप देर किस बात की, आप भी अपने लिए अपने बच्चों के लिए ये टॉफ़ी चॉकलेट ज़रूर बनाएं और आप हमें ज़रूर कमेंट करें कि आपको यह कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग सेलीज किचन। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है, लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर रेसिपी मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।